स्वागत है आप सभी का बस पिक के एक और नई वीडियो में। आज की अपनी जर्नी लेने वाली है जयपुर से कोटा, जो कि बिल्कुल नया रूट है। RSRTC का फर्स्ट डे ही है इस रूट का, तो सबको बताऊंगा कैसा इंटीरियर है, कैसा एक्सटीरियर है, कैसा फेयर रहता है बस का, सब बताऊंगा आपको। इसका जो फेयर है वो है सुपर लग्जरी लो फेयर, यानी कि लग्जरी बस है पर फेयर थोड़ा कम लगेगा कंपेरेटिवली और बसेस से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है, पूरा बताऊंगा रूट वगैरह सबको बताऊंगा। देखते रहिए आप लोग, करता हूँ मैं जर्नी को स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बस देख लीजिए, ये बस जो है स्कैनिया है अपनी, और हालांकि मैं इसकी वीडियो तो पिछली उसमें दिखाने वाला था, पर एक्चुअली मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो मैं बताऊंगा कैसा क्या रहता। बाकी अंदर से देख लीजिए, स्कैनिया का डैशबोर्ड है पूरा। आपका नाम क्या सर? सर मान सिंह है। मान सिंह जी है अपने साथ में। कितने साल से चला रहे सर आप बसेस? स्कैनिया तो अभी आई है, जब से चला रहे हैं। नहीं वैसे बस 2005 की, 2005 से चला रहे हैं। वेरी गुड। और ये देख लीजिए पूरा, अब यहाँ पे देखिए सीट्स वगैरह ऐसी हैं। बाकी यहाँ पे चार सीट्स पिंक होती है, जो कि लेडीज़ की रिजर्व होती है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिला हुआ है अपने को, ये है और ये सब है, बस देखते रहिए। तो अपने साथ अभी मोदित जी हैं, तो मोदित जी अपने पूरे डिटेल बताएंगे आज कौन सी बस चालू हुई है और कौन सा रूट चालू हुई है। से कोटा के लिए चलाई गई है अभी 4:30 बजे, जो जयपुर से कोटा जाएगी और सुबह 5 बजे कोटा से वापस आके यहाँ पे आएगी जयपुर। हमने बेसिकली नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है ये, उसके अलावा बीकानेर हमारे द्वारा चलाई गई है। शाम को 7:17:15 मतलब शाम को 5:15 बजे जाएगी, जो कि 10 बजे बीकानेर पहुँचेगी और सुबह 5 बजे चल के वापस यहाँ पे 10 बजे तक जयपुर आएगी। उसके अलावा कल्याण के लिए हमने जो महाराष्ट्र गाड़ी चलाई गई है, महाराष्ट्र के लिए जो कि अपने ब्यावर पाली अहमदाबाद सूरत बड़ौदा होते हुए निकलेगी, वो यहाँ से 22 घंटे की जर्नी कवर करेगी और वहाँ से वापस शाम को 4:30 बजे चल के और वापस यहाँ पे 22 घंटे में आएगी। उसके अलावा हरिद्वार को हमने रिप्लेस किया है स्लीपर के लिए, जो हमारी पहले सुपर लग्जरी वॉल्वो चलती थी उसको हमने रिप्लेस करके एसी स्लीपर दे दी। अहमदाबाद जो वाया उदयपुर जाती थी उसको भी हमने रिप्लेस करके स्लीपर कर दिए। तो 9 गाड़ियाँ आने से काफ़ी ज़्यादा हद से हमारे को अच्छा सारा लगा है और पब्लिक के लिए हमने बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। तो जयपुर कोटा रूट पे पहले कोई लग्जरी बस थी या नहीं थी? जयपुर कोटा रूट पे अभी तक इस कैटेगरी की कोई बस नहीं है, बाकी एसी बसेस चलती है, बट ये सुपर लग्जरी जो सेगमेंट है वो इसको हम लो फेयर में चलाएंगे, जैसे लो फेयर में आएगी, जैसे कि कम किराए के अंदर कि यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो अभी जैसे बीकानेर रूट पे सुबह सुबह बस चलती थी, वो अभी है या फिर दोनों रहेगा? दोनों बस चलेगी, एक सुबह चलेगी, एक शाम को चलेगी और एक हमारे द्वारा भी नई गाड़ी और चलाई गई है, जो कि नया सेगमेंट मतलब नया रूट हमने डिस्कवर किया, जोधपुर से बीकानेर वाया नागौर होके, तो वो भी चल रहा है, वो भी उससे भी हमारे को बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बाकी हमारे साथ मनीष जी हैं, मनीष जी को तो मैंने आपको दिखाया भी था पहले वीडियो में। तो मनीष जी कैसा लग रहा है नई बसेस लेके? बहुत अच्छा लग रहा है, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोटा रूट के यात्री टोंक है, बूंदी है, देवली, सब लोगों को अच्छा मिलेगा, सब जगह बाईपास जाएगी। अच्छा, और सुबह नॉन स्टॉप चल के आएगी। लगभग कितने घंटे लेगी गाड़ी है? ये लेगी 4.5 घंटे की। 4.5 घंटे, ओके, थैंक यू वेरी मच मनीष जी। तो अभी जो हमारे सेकंड बोर्डिंग पॉइंट दुर्गापुरा पहुंच चुके हैं, बस का फेयर बता देता हूँ। बस का फेयर जो रहता है वो रहता है लगभग 450 रुपये, जो कि मैं समझता हूँ स्कैनिया के लिए हाँ सही है, इतने रहना चाहिए। कुछ रूट पे RSRTC के फेयर ज़्यादा, पर इस पर सही है, ये रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए। और बाकी मैंने आपको शेड्यूल बताई दिया, बस जो ठीक है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और टाइम भी कम ही ले रही कंपेरेटिवली। बाकी जो नॉर्मल बसेज हैं कुछ 6-6.5 घंटे ले लेती है और ये जो बस है ये ले रही है कुछ 4 घंटे, तो ये चीज़ सही है। बाकी यही है, दिखाता हूँ आपको जर्नी वगैरह और कैबिनेट वगैरह, नया रूट है, चैनल पर कवर नहीं हुआ तो बस दिखाने लायक रहेगा, तो देखते रहिए आप लोग।
हाँ सर, क्या पड़ा?
अभी जो है हम लोग टोंक में आ चुके हैं और अभी जैसे लगभग बस थोड़ी सी खाली चल रही है क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे पे लोगों को थोड़ा पता कम रहता है, इस वजह से खाली चलती है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे भाई रहेगा पता चलेगा लोगों को, तो अपने आप लोग बढ़ेंगे क्योंकि ये रूट जो है इस पर ए सी बसेस कमी थी पहले से, और उसमें क्या होता है ना लोग परिवहन में कि ए सी का बोल के नॉन ए सी बिठाते, तो वो तो बहुत बड़ा स्कैम है। बाकी यही है कि कंटिन्यू करें जर्नी को, अपन देखते रहिए आप लोग। तो अभी हो रहे हैं लगभग 7:30 और हम आ चुके हैं निवाई से थोड़ा सा पहले। स्टॉप आया एक 15 मिनट का और सही है, हाँ स्टॉप आना भी चाहिए। वैसे तो लिखा हुआ था नॉन स्टॉप, पर हाँ इतना चलता है। अब वैसे नॉन स्टॉप का मतलब ऐसा रहता है ना कि जैसे गाड़ी जो दुर्गापुरम में है वो ऐसा नहीं कि रुकी हुई थी सवारियों के लिए कि सवारी आएगी जयपुर में दुर्गापुरम में, और यही सांगानेर वगैरह ऐसा नहीं कहीं पर रुकी हुई। इवन टोंक में भी बस गाड़ी लगी और लग के बस रिवर्स हो गई, इतना मिला टाइम, मतलब 1 मिनट की रुकी होगी मैक्स, और ऐसा रहता है। तो ये बाकी हरियाणा रोडवेज भी है, हरियाणा रोडवेज वैसे कहाँ नहीं है वो मेरे को ये बात याद है, कहाँ नहीं है हरियाणा रोडवेज। कोटा भी आती है राजस्थान में, और वैसे इनका फेयर मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल से इतना ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ 50 या 100 रुपीज़ का डिफरेंस रहता है। तो हाँ आपके और SRTC ने ये चीज़ सही करी कि लो फेयर रखा है, लो फेयर बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। जो बंदा नॉन एसी में ट्रैवल करता है पर थोड़ा सा कंफर्ट चाहता है पर थोड़ा बजट भी देखना चाहता है, तो उसके लो फेयर बहुत ज़्यादा सही डील है। और मेरे ख्याल से बस को जो है लॉक कर दिया है, देखता हूँ एक सेकेंड, नहीं बस को लॉक नहीं किया है वैसे, हाँ ढाबे वगैरह पे नहीं करते होंगे चलो ठीक है। बाकी मैं दिखाता हूँ कुछ खाता पीता हूँ, तो वैसे तो मैंने अगर कुछ सही मिला सही क्वालिटी का तो मैं खाता हूँ, देखते रहिए। कचौरी डी टेस्ट कर बताता हूँ कैसी है। तो बस मैंने खा ली थी मेरी कचौरी, और कचौरी ठीक ठाक थी एक्चुअली, मतलब वैसे सही है, पर थोड़ा सा हुआ ये कि वो नमक डालना भूल गया कड़ी में, जो भी कुक वगैरह है कुक किया मतलब जो भी है वो भूल गया नमक डालना, तो मैंने उनको बोला तो फिर उनको समझ में आया कि हाँ भाई नमक ही भूल गए हम डालना। बाकी यही है, इतने आप लोग जर्नी वगैरह चल रही है। अभी जो है थोड़ा बहुत पैसेंजर बढ़ गए थे हमारे में टोंक से, कि टोंक से निवाई और बूंदी वगैरह जाने के लिए थोड़ा सा रहता है नोट वगैरह, तो यही है। बाकी एक चीज़ पता चली मुझे कि ये जो सर्विस है मतलब सुपर लग्जरी की, मतलब इस कोटा रूट पर जयपुर कोटा रूट पे वो जो है 10 साल बाद चालू हुई है, यानी कि लगभग 2013 में चलती थी पहले, उसका बंद हो गई थी क्योंकि हुआ कोई रीज़न, पर अब जो है वहाँ पर 10 साल बाद चालू हुई, तो ये भी बहुत ज़रा अमेजिंग चीज़ है। तो बाकी यही है, दिखाता हूँ आपको जो भी रहता है, देखते रहिए आप लोग। तो अभी हो रहा है लगभग 8:30 और हम आ चुके हैं बूंदी में। मतलब को बूंदी में जो अभी है कंफर्म नहीं कि बूंदी अंदर आएगी कि बाईपास आएगी, क्योंकि आज अंदर आ रही है और स्टाफ बता रहे कल सुबह से हम लोग तो बाईपास से जाएंगे, मतलब खाली आज के लिए था अंदर आने का। तो हो सकता है जो भी रहेगा वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो, अगर समझ लीजिए अगर अपन वेबसाइट पर चेक कर रहे हैं तो वेबसाइट पर कैसे रहता है ना कि अगर समझ लीजिए BBB आ रहा है यानी बूंदी बाईपास ऐसा रहेगा ना, अगर BB आ रहा है खाली यानी बूंदी बस स्टॉप, ठीक है, तो आप उस सबसे देख लीजिए। और बाकी अभी देखिए छोटा सा बस स्टॉप है, एक दो बसेस खड़ी हुई है यहाँ पे, और बस यही है कटी हुई जड्डी को, देखते रहिए आप लोग।
बूथ पे लगाओ पड़ेगा तुम। जयपुर का किधर है? जयपुर का ये सामने बस ये लगा एक्स वाई आराम से। तो आगे आगे हम लोग कोटा और अभी रो रहे हैं लगभग 9:20 और सही है अभी 20 मिनट लेट लगा लेट हुए वो इसलिए क्योंकि बूंदी के अंदर गए थे हम लोग तो उस वजह से थोड़ा सा लेट होना था ही। बाकी यहाँ पे देख लीजिए जो अपने स्टाफ है वो तो ये देख के चौंक गए कि हरियाणा रोडवेज देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 लग नहीं रहा है कि ये राजस्थान है कोई स्टॉप ऐसा लग रहा है हरियाणा में कहीं आ गए अपन कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब बसेस जिस मेजोरिटी से ज़्यादा रहती है वैसे तो RSRTC भी बहुत है पर हरियाणा रोड बहुत सारी एक ही जगह ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। बाकी यही है जर्नी वगैरह तो मेरी अच्छी रही। स्कैनिया की सर्विस है और बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। टाइमिंग वगैरह भी सही है। सुबह सुबह 5 बजे बस चलेगी कोटा से और शाम को 4:30 बजे जयपुर से। तो आप देख सकते हैं और फेयर वगैरह भी सही है, लो फेयर पे चला रहे हैं अभी तक तो। आगे जाकर फेयर बढ़ता है तो आप वो चीज़ आप देख सकते हैं। अभी तक जो फेयर है वो कुछ अप्रोक्स 450 रुपीज़ है तो वो फेयर हाँ सही लगता है, समझ में आता है। और बाकी यही करता हूँ वीडियो को एंड में, आप लोग कैसे लगे वीडियो वगैरह बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसी जर्नीस ला सकूँ। और बताइएगा कमेंट्स पर कौन सी आपको और जर्नीस देखनी है RSRTC की भी और दूसरी बसेस की भी। और शेयर कीजिएगा ताकि मैं और लोगों तक पहुँच सकूँ, आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकूँ। और चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन दबा के। तो मिलते हैं अपन लोग किसी और वीडियो में किसी और नए रूट पे। तब तक के लिए गुड बाय।